हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा किचन जायका। आज हम बनाएंगे पनीर मोमोज। उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे मोमोज की चटनी। तो उसके लिए हमने ये लाल मिर्ची ली है साबुत, ये हमने आधा घंटा पहले भिगो दी थी, ये 20-25 है करीबन। और ये 4 टमाटो लिए हैं, इसको ऐसे इसका ये निकाल देंगे काट के। और पीछे से ऐसे कट लगा लेंगे। सब टमाटो में हम ऐसे ही कट कर लेंगे बीच में से। ये हमने एक पैन रखा है, इसमें 2 ग्लास करीब पानी डाल देंगे। ये टमाटो डाल देंगे बॉईल करने के लिए। और ये मिर्ची डाल देंगे। अब इसको ढक के बॉईल होने देंगे अच्छे से 5 मिनट तक। जब तक हमारा टमाटो और मिर्ची बॉईल हो रही है, हम अपना आटा गूंद लेते हैं। ये हमने 1 कप मैदा लिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। और ये नॉर्मल पानी है, ये डाल डाल के थोड़ा थोड़ा सा हम अपना डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा सॉफ्ट सा डो रेडी हो गया है। अब इसको ढक के रख देंगे साइड में। अब ये हमारे टमाटो और मिर्ची बॉईल हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे। इसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से, फिर इसके हम ये छिलका निकाल देंगे, छील लेंगे। ये देखिए कितना इजीली निकले जा रहा है इसका छिलका। ऐसे 4 कट लगा के रखेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ऐसे ही हम सबका निकाल लेंगे। अभी इसको हल्का हल्का ऐसे तोड़ लेंगे टमाटो को। अब ये पैन रखेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे, हल्का सा गर्म होने देंगे ऑयल को। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें ये चॉप्ड लहसुन है ये डाल देंगे थोड़ा सा, थोड़ा रोक देंगे। ये अदरक है, थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। ये एक मीडियम साइज की प्याज है, ये डाल देंगे, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी रोक देंगे बिल्कुल। अभी सबको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब ये टमाटो और मिर्ची डाल देंगे इसमें। वन टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे और 1 टीस्पून चीनी डालेंगे थोड़ा फ्लेवर के लिए। 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल देंगे
इससे थोड़ा टेक्सचर अच्छा आता है। इस सबको मिक्स कर देंगे। ये देखिए सब ऐसे गल चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर इसको पीसेंगे। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये हो गई हमारी मोमोज की चटनी रेडी। चलिए अब हम अपनी स्टफिंग बनाते हैं। उसके लिए हमने ये 100 ग्राम पनीर लिया है। इसको अच्छे से ऐसे तोड़ लेंगे, मैश कर लेंगे। ये जो हमने प्याज बचाई थी थोड़ी सी, ये डाल लेंगे। अगर आपको प्याज पसंद हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे, ये थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। अगर आपको ये सब पसंद हो तो डालें, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे, काली मिर्चों का पाउडर। अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर हमने इसलिए डाला है क्योंकि अंदर से फीका फीका निकलता है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। वैसे तो इसकी चटनी बहुत तीखी होती है और चटनी के बिना मोमोज एकदम बकवास लगते हैं, चटनी से बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। चलिए अब हम अपना डो देख लेते हैं। ये पैन रखेंगे, 1 कप ऑयल डाल देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है जब तक हम अपने मोमोज बनाते हैं। कोई भी बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें पानी भर के रख देंगे बॉयल होने के लिए, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। हम स्टीम वाले भी बनाएंगे और फ्राई भी बनाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को स्टीम वाले पसंद होते हैं, कुछ लोगों को फ्राई पसंद होते हैं। ये देखिए ये हमारा डो एकदम अच्छे से रेडी है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और ऐसे एकदम। अब इसमें से छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे इक्वल साइज के। ये अब इसमें से एक उठाएंगे और थोड़ा सा आटा डालेंगे। अब इसको बेल लेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, पतला पतला बेलेंगे। अब ये इसके अंदर डालेंगे अच्छे से और इसको ऐसे बीच में डालेंगे। अब ऐसे प्लेट्स बनाएंगे। एकदम आराम से इसको ऐसे करके बंद कर देंगे। अभी रखते जाएंगे एक एक करके। ऐसे ही हम अपने सब मोमोज बना लेंगे।
ऐसे हम ये पोटली स्टाइल बना लेंगे। अलग अलग स्टाइल के हम मोमोज बना लेंगे। जैसे आपको आते हों आप उस स्टाइल के बना सकते हैं। ये अपना लास्ट भी बना लेंगे। ऐसे दोनों साइड से लेके ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर इसको इधर से मिला के इधर से फोल्ड कर देंगे। आप किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं, थोड़ा अलग अलग स्टाइल में। ये हो गए हमारे मोमोज रेडी। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। ये हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये छन्नी रख देंगे। इसके ऊपर ये छन्नी रखेंगे और हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देंगे। हमने इसमें इसीलिए बनाया है क्योंकि ये सब्जियाँ इजीली अवेलेबल होता है सबके घर में। अब इसमें हम अपने मोमोज रखेंगे एक एक करके। थोड़ा दूर दूर रखेंगे, ज्यादा करीब नहीं रखेंगे। अब इसको एक किसी भी बड़े बर्तन से ऐसे ढक देंगे ताकि इसकी स्टीम निकले ना, और 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। अब ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपने मोमोज डालेंगे एक एक करके। अब इसको फ्राई होने देते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इसको पलट देंगे, दूसरी साइड से सेकेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे चारों साइड से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, ताकि कहीं से कच्चा कच्चा ना लगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ये 5 मिनट हो चुके हैं, इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं एकदम। गैस बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। हमारे स्टीम वाले मोमोज रेडी हो चुके हैं, इसको निकाल लेंगे। ये हमारे रेडी हैं। चलिए अब फ्राई वाले देखते हैं। ये देखिए ये भी गोल्डन गोल्डन हो गए हैं। थोड़े से और कर लेते हैं ताकि कुछ कच्चा कच्चा ना लगे। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे। ये हो गए हमारे फ्राई मोमोज भी रेडी और स्टीम वाले भी, और ये मोमोज की चटनी। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी है। ये देखिए हमारा मोमोज अच्छे से बन चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।